गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2016 के एग्जाम को लेकर के आज हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि 6 नवंबर को शाम को 6 बजे हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि आयोग ने तेजी दिखाई है। यूपीपीसीएस के जो एपीएस का एग्जाम है 2018, उसके एग्जाम को भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। 54 अभ्यर्थियों को उसमें सफल घोषित किया गया है। तो आरओ एआरओ के 2016 को रिजल्ट को लेकर के आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि हम मॉडिफाई आंसर की जारी करेंगे और कट ऑफ जारी करेंगे, बाकी और कुछ भी जारी नहीं करेंगे। और भी उस किसी चीज को जानकारी देने से आयोग ने मना कर दिया है। तो बेसब स्टूडेंट जो काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि क्या आने वाला है मीटिंग में या क्या नहीं, या आयोग में क्या बातें चल रही हैं, तो उनके लिए फाइनल मैंने आपको बताया है कि वे सभी स्टूडेंट जो आरओ एआरओ 2016 में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, फाइनली उनको अब सोचना है कि धरना देना है या फिर हाई कोर्ट में जाकर के रिट याचिका दायर करनी है। जो भी है वो सोच लें, सोच विचार करके आज 6 बजे, जैसे कि ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसके नीचे डिस्कशन कर लेंगे। इसमें आप बता देंगे कि क्या करना है आगे। हालांकि एक हाई कोर्ट ही समाधान इसका लगता है, अदरवाइज अगर धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। तो बस वीडियो में इतना ही। आप सभी को अपडेट करना था कि आज 6 नवंबर 6 बजे हमें इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करके एक दूसरे को बताना है कि क्या करना है आगे चल करके। ठीक है स्टूडेंट्स, बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।